बेसिक लेक्चर लेने के लिए सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं रेजिस्टर कैपेसिटर कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में बेसिक डिफरेंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी फर्दर जो आपके सेमेस्टर में आपके फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में जो आपके बेसिक जो यूज होता है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में वो सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए सीखते हैं रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, एक हिंड्रेंस है, हर प्रॉपर्टी हर मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से ये कुछ निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी पी वी इक्वल्स टू एन आर। ये इक्वेशन है गैस इक्वेशन, पी इज अ प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम, एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। होता क्या है बच्चों, इन पांच चीजों पर, ये कांस्टेंट है, चार चीजों पर आपका गैसीय सिस्टम डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर पर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिपेंड करता है। ये पैरामीटर्स और इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है और कैपेसिटर भी एक इंस्ट्रूमेंट, इंडक्टर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। अब देखिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। एक बेसिक सा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में, आप मुझे अगर आपको बताओ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो पॉज करके, कि रजिस्टर और रजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस क्या है, इंडक्टर और इंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है। जनरली बच्चे रजिस्टर रजिस्टेंस में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, ये जो चौक दिख रही है आपको, ये जो चौक है, ये चौक एक इंस्ट्रूमेंट है और लिखना क्या है, एक इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम रजिस्टर है और इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि रजिस्टेंस लगाता है, हिंड्रेंस लगाता है, रुकावट लगाता है, उस प्रॉपर्टी को हम रजिस्टेंस कहते हैं। इस डिवाइस का नाम इंडक्टर है और इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो इंडक्टेंस है। इस डिवाइस का नाम कैपेसिटर है और इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं फिर आप फिर से हम जो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं वन बाय वन, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। रजिस्टर का जो यूनिट है वो ओम है। जॉर्ज साइमन एक साइंटिस्ट है, 1827 में उन्होंने ओम्स लॉ पब्लिश किया था, तो उस उनके नाम पर ही आया है। इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है और कैपेसिटर का जो यूनिट है वो फैराड है। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, जनरली माइक्रो फैराड यूज करते हैं, आपके घर में फैन वगैरह जहाँ भी लगे रहते हैं और कैपेसिटर कंडेंसर वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीज़ है। अब हम वन बाय वन देखेंगे इनकी 6-7 प्रॉपर्टीज के विद कंपेरिजन, कि ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसी सारी चीजें आपको क्लियर आइए हो गई। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम कुछ इनकी बेसिक कंपैरिजन और इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए पहला है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए रजिस्टर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इंडक्टर में कैपेसिटर, तो इनके हम कंपैरिजन में इसी में देखेंगे। पहला पॉइंट कि जो रजिस्टर है ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, इसको अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट। ये कोई वायर है, वायर में कोई करंट अगर बह रही है तो इसके फ्लो को ये अपोज करेगा, कौन है, रेजिस्टर। ठीक है, आपने घरों में ट्यूबलाइट देखी होगी, ट्यूबलाइट में जनरली चौक लगी रहती है, दैट इज इंडक्टर। वो इंडक्टर क्या करता है, वो इंडक्टर कभी भी ओवर करंट होने को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये जो इंडक्टर है वो किसको अपोज करता है, चेंज ऑफ करंट, वो जनरली चेंज नहीं होने देता है। और जो हमारा कैपेसिटर है जो उसमें एक स्टार्टअप भी लगा रहता है, या आप देखोगे फैंस में कंडेंसर लगे रहते हैं, कैपेसिटर बहुत जगह यूज होते हैं, है ना, आपके घर में सबमर्सिबल वगैरह में, ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये जनरली वोल्टेज को चेंज नहीं होने देते, वोल्टेज को अपोज करते हैं चेंज होने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो रजिस्टर है ये एसी और डीसी दोनों को ब्लॉक कर सकता है, एसी एंड डीसी दोनों को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इंडक्टर केवल एसी को ब्लॉक करता है और डीसी
और एयर कंडक्टर सिर्फ डीसी को ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप इसका एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर के अंदर कि ट्रांसफार्मर एसी पर डीसी पर बात क्यों नहीं कर सकते, तो जनरली आप वहाँ भी कुछ ऐसे ही देख सकते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर का ही सवाल होता है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखो ये जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी का इनका इफेक्ट पड़ता है लेकिन इंडक्टर का कोई रजिस्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पर कोई एनर्जी स्टोर करोगे तो वो स्टोर इन्हीं स्टोर हो जाएगी पर उसमें स्टोर नहीं होती है, बात एनर्जी स्टोर ही नहीं होती है, लेकिन उस पर फ्रीक्वेंसी अगर है उसमें तो ये चीज पे वो काम नहीं होता। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है मतलब काम नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं कुछ कंपेरिजन और देखते हैं। एक कंपेरिजन और आता है कि क्या रजिस्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बताइए क्या रजिस्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। रजिस्टर कैन नॉट स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं रजिस्टर, लेकिन इंडक्टर को देखा जाए इंडक्टर जो है ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल मीडियम से ट्रांसफर करता है, ये स्टोर करते हैं एनर्जी किस फॉर्म में मैकेनिकल फॉर्म, और जो आपका कैपेसिटर है मैकेनिकल कह सकते हैं, और जो कैपेसिटर है ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, आपने फेमस इक्वेशन भी पढ़ रखी है बी सॉरी एनर्जी इक्वल्स टू वी इनटू आई या बी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर इनटू आर, यहां पे आपने पढ़ रखा है 1/2 एच आई स्क्वायर ये एनर्जी है, और यहां पढ़ रखा है 1/2 सीवी स्क्वायर, सी को चेंज कर सकते हैं चार्ज को। ठीक है, तो ये चार्ज पर एनर्जी स्टोर करते हैं ये करंट के फॉर्म में और मैकेनिकल फॉर्म में सॉरी मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है ना उस फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। यहाँ पर ये इसके एनर्जी स्टोर नहीं करते, डिसअपीयर करते हैं, तो ये इसकी एक और प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं पावर फैक्टर के बारे में, पावर फैक्टर का इनपुट क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है। पावर फैक्टर एक चीज होती है तो बताऊँ मैं आपको, देखिए कैपेसिटर वोल्टेज पर और करंट के बीच में एंगल होता है किसी सर्किट में, जैसे ये एक रजिस्टर एक एलिमेंट है इस पर वोल्टेज लगाइए करंट लगाइए, तो इस पर वोल्टेज बनेगा और करंट मूव करेगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल का कॉस लेंगे उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये रजिस्टर के केस में एंगल कितना होता है 0 है, और इसका अगर आप कॉस ले लेंगे कॉस का मतलब कोसाइन, तो इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो कॉस 0 के लिए कितनी होती है 1, इसी को हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। कहते हैं बच्चों यूनिटी पावर फैक्टर रजिस्टर के केस में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ये बेसिक किसी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर के केस में इंडक्टर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो नहीं होता, कितना एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, वो भी कैसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब करंट हमारी लैग कर रही है। ये लैग लिंक का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊँ, मेरी प्ले लिस्ट भी है फेजर डायग्राम की, फेजर बोर्ड की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप सारे फेजर डायग्राम के वीडियो देख सकते हो, बाकी मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा फेजर डायग्राम की, तो वहाँ से आपको छोड़ जाए। अभी आप ये समझिए दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, जो फाइव है कितना है 90 डिग्री, इसका आप कॉस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस 90 मतलब 0 ना 0, तो इसको क्या बोलते हैं
इसका इंटरनल कुछ पावर फैक्टर कितना होगा जेड जेड पी एफ है। अच्छा इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री लीड होगा, कितना होता है 90 डिग्री लीड होगा, कितना होगा 90 डिग्री लीड। ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है आगे लेक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर cos phi निकालेंगे यहाँ पे cos 90 की वैल्यू यहाँ भी जीरो आएगी, अब इसको भी हम जीरो पावर फैक्टर जीरो पावर फैक्टर जेड पी एफ बोलते हैं, इसके साथ एक बड़ा होता है जिसका नाम है लीड जीरो पावर। तो ये क्वेश्चन ये हमसे बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, अगर प्योर रजिस्टर है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है, अगर प्योर इंडक्टर है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है जेड पी एफ बैक, और अगर कैपेसिटर है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है जेड पी एफ लीड होता है। ठीक है ये आपने देखा, इसकी एक और प्रॉपर्टीज और देखते हैं इसके बाद, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा और इनकी सब चीजें भी समझ में आ जाएगी। देखिए रजिस्टर जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, क्या इन्वर्टर में एक्सटर्न करते हैं प्रोड्यूस हीट, क्या ये प्रोड्यूस करते हैं हीट नहीं, क्या ये प्रोड्यूस करते हैं नहीं, इन्वर्टर में एक्सटर्न प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक नियम है वी इक्वल्स टू आई आर, इसको फेमस ओम्स लॉ है, मैं बता रहा हूं मैं ओम्स लॉ के लिए कैसे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ यहां पर रजिस्टर में आप लगा रहे हैं तो वी इक्वल्स टू आई आर लगा दें, अगर अगर यहां लिख रहे हैं ओम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार बना रहा हूं काफी दिक्कत होती है उसको वी आई आर, अगर इंडक्टर के केस में लिखना हो तो वी इक्वल्स टू आई एल और कैपेसिटर के केस में वी इक्वल्स टू आई सी, ऐसे लिखेंगे नहीं ठीक है ऐसे हम नहीं लिख सकते, इंडक्टर एल और सी इनकी प्रॉपर्टी है लेकिन इनकी रेजिस्टेंस नहीं है, इनकी रेजिस्टेंस कितनी होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं रिएक्टेंस, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको एल सफिक्स लगाते हैं जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस और यहाँ पे एक्स सी लगाते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्या होता है बच्चों यहाँ ये इसको लिख देता हूँ मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटर की बाधा होती है कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है और ये जैसे रेजिस्टर की कैपेसिटेंस कितनी है आर, इंडक्टर की कैपेसिटेंस रेजिस्टर कितना है एक्सएल और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना है एक्स, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बताना चाहूंगा आपको, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनका यूनिट, इनका यूनिट क्या है जॉर्ज साइमन के नाम पर ओम, इनका हेनरी और इनका फैरड, ठीक है ये चीज आठ प्रॉपर्टीज की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस फैक्टर कैपेसिटर के लिए, इसके इस लेक्चर के बारे में देखेंगे, रजिस्टर के बारे में देखेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में भी देखेंगे, इनके सर्किट के बारे में देखेंगे कि रजिस्टर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इंडक्टर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसमें जो डाउट है इस वीडियो में इस लेक्चर में वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अटेंडेंस एज यूजुअल उस पर लग जाएगी, ठीक है तो आप देख सकते हैं पूरा देख लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अब देखते हैं हम कुछ इनकी बेसिक कंपैरिजन और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है देखिए पहला है रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर, देखिए रजिस्टर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इंडक्टर में कैपेसिटर का उनके कंपैरिजन भी इसमें देखिए, पहला पॉइंट कि जो रजिस्टर है ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, इसको अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, ये कोई वायर है वायर में कोई करंट अगर बह रही है तो इसके फ्लो को ये अपोज करेगा, कौन है रजिस्टर, ठीक है आपने घरों में ट्यूबलाइट
ट्यूबलाइट में जनरली चॉकलेट रहती है, दैट इज इंडक्टर। वो इंडक्टर क्या करता है, वो इंडक्टर कभी भी ओवर करंट होने को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये जो इंडक्टर है वो किसको ओपोज करता है, चेंज ऑफ करंट, वो जनरली चेंज नहीं होने देता है। और जो हमारा कैपेसिटर है जो उसमें एक स्टार्टअप भी लगा रहता है, या आप देखोगे फैंस में कंडेंसर लगे रहते हैं, कैपेसिटर बहुत जगह यूज होते हैं, है ना, आपके घर में सबमर्सिबल वगैरह में, ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये जनरली वोल्टेज को चेंज नहीं होने देते, वोल्टेज अपोज करते हैं चेंज होने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो रजिस्टर है ये एसी और डीसी दोनों को ब्लॉक कर सकता है, एसी एंड डीसी दोनों को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इंडक्टर केवल एसी को ब्लॉक करता है और डीसी और कंडक्टर सिर्फ डीसी को ब्लॉक करता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप इसका एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर के अंदर कि ट्रांसफार्मर एसी पर डीसी पर वर्क क्यों नहीं कर सकते, तो जनरली आप वहां भी कुछ ऐसे ही देख सकते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर का ही इस्तेमाल होता है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखो, ये जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी का इनमें इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इंडक्टर का कोई इफेक्ट, सॉरी क्या रजिस्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी पर कोई एनर्जी स्टोर करोगे तो वो स्टोर इनमें स्टोर हो जाएगी, पर उसमें स्टोर नहीं होती है, बात एनर्जी स्टोर ही होती है, लेकिन उस पर फ्रीक्वेंसी अगर है उसमें एसी पे वो काम नहीं होता, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, मतलब काम को मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ कंपेरिजन और देखते हैं, तो एक कंपेरिजन और आता है कि क्या रजिस्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बताइए क्या रजिस्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। रजिस्टर कैन नॉट स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं रजिस्टर, लेकिन इंडक्टर को देखा जाए, इंडक्टर जो है ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल मीडियम से ट्रांसफर करता है, ये स्टोर करते हैं जो किस फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म, और जो आपका कैपेसिटर है मैकेनिकल कह सकते हैं, और जो कैपेसिटर है ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। आपने फेमस इक्वेशन भी पढ़ रखी है, सॉरी एनर्जी इक्वल्स टू वी इनटू आई, ये वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आई स्क्वायर इनटू आर, यहां पे आपने पढ़ रखा है 1/2 एच आई स्क्वायर, ये एनर्जी है, और यहां पढ़ रखा है 1/2 सी वी स्क्वायर, सी को चेंज कर सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो ये चार्ज पर एनर्जी स्टोर करते हैं, ये करंट के फॉर्म में और मैकेनिकल फॉर्म का यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, उस फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, यहाँ पर ये इसके एनर्जी स्टोर नहीं करते, डिसअपीयर करते हैं, तो ये इसकी एक और प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं पावर फैक्टर के बारे में, पावर फैक्टर का मतलब क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, पावर फैक्टर एक चीज होती है तो बताऊंगा आपको, देखिए कैपेसिटर वोल्टेज पर और करंट के बीच में एंगल होता है किसी सर्किट में, जैसे ये एक रेजिस्टर एक एलिमेंट है, इस पर वोल्टेज लगाइए करंट लगाइए, तो इस पर वोल्टेज बनेगा और करंट मूव करेगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल का कॉस लेंगे उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये रजिस्टर के केस में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और इसका अगर आप कॉस ले लेंगे कॉस का मतलब कोसाइन, तो इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं, और कॉस 0 के लिए कितनी होती है 1, इसी को हम कहते हैं
यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर रजिस्टर के केस में है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर के केस में इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो नहीं होता है। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। वो भी कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब करंट हमारी लैग कर रही है। ये लैग का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। मेरी प्लेलिस्ट भी है फेजर डायग्राम की, फेजर बोर्ड की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सारे फेजर डायग्राम के वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं और वीडियोज बनाऊंगा फेजर डायग्राम की, तो वहाँ से आपको छोड़ जाए। अभी आप ये समझिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जो फाइव है कितना है? 90 डिग्री। इसका आप कॉस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस 90 मतलब जीरो, ना जीरो। इसको क्या बोलते हैं? जेड पी एफ जीरो पावर फैक्टर। इसके सारे वर्ड ऑफ होता है लैग। इसका इंडक्टर का कोई कुछ पावर फैक्टर कितना होगा? जेड पी एफ। अच्छा, इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री लीड होता है। कितना होता है? 90 डिग्री लीड होता है। कितना होता है? 90 डिग्री लीड। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे लेक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर cos phi निकालें तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू यहाँ भी जीरो है। अब इसको भी हम जीरो पावर फैक्टर जेड पी एफ बोलते हैं। इसके साथ एक वर्ड ऑफ होता है जिसका नाम है लीड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अगर प्योर रजिस्टर है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। अगर प्योर इंडक्टर है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है? जेड बी एफ है। और अगर कैपेसिटर है तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है? जेड बी एफ लीड होता है। ठीक है, ये आपने देखा। इसकी एक और प्रॉपर्टी जो आप देखते हैं उसके बाद ये प्रॉपर्टी इसका प्रेजेंट भी आपको समझ में आ जाएगा और इनकी सब चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। देखिए रजिस्टर जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या इन्वर्टर और रजिस्टर करते हैं? प्रोड्यूस हीट। क्या ये प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। क्या ये प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। इन्वर्टर और कैपेसिटर प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस नियम है V इक्वल्स टू IR। इसको फेमस ओम्स लॉ बोलते हैं। बता रहा हूं मैं ओम्स लॉ के लिए कैसे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहां पर रजिस्टर में आप लगाए तो V इक्वल्स टू IR लगाते हैं। अगर यहां लिखते हैं ओम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, काफी दिक्कत होती है उसको VIR। अगर इंडक्टर के केस में लिखना हो तो V इक्वल्स टू IL और कैपेसिटर के केस में V इक्वल्स टू IC। ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये गलत है। ऐसे हम नहीं लिख सकते। इंडक्टर L और C इनकी प्रॉपर्टी है लेकिन इनकी रेजिस्टेंस नहीं है। इनकी रेजिस्टेंस कितनी होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको L से लगाते हैं जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस और यहाँ पे X से लगाते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ ये इसको लिख देता हूँ मैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर की बाधा होती है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है। और ये जैसे रेजिस्टर की कैपेसिटेंस कितनी है? आर। इंडक्टर की कैपेसिटेंस रेजिस्टर कितना है? एक्सएल। और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना है? एक्स। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बताना चाहूंगा आपको, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनका यूनिट, इनका यूनिट क्या है? जॉर्ज साइमन के नाम का ओम, इनका हेनरी और इनका फैरेड। ठीक है, ये चीज आर प्रॉपर्टीज की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर के इसमें। इसके इस लेक्चर के बारे में देखेंगे, रजिस्टर के बारे में देखेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में भी देखेंगे, इनके सर्किट के बारे में देखेंगे कि रजिस्टर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इंडक्टर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसमें जो डाउट है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अटेंडेंस एज यूजुअल व्हाट्सएप पे लग जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पूरा देख लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।